हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। यार देखो मैं निकल चुका हूँ ओला S1 को लेकर के, और अभी मैं इको मूड कर लिया हूँ और 100% चार्ज की हमारा। तो गाइस आज पहली राइड मैंने लॉगिन किया और ओला ने मेरे को तुरंत राइड दे दी। बट भाई बंदे को मैं कॉल कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, बंदा कॉल नहीं उठा रहा है। चलो देखते हैं, पहली राइड आ गई है, अब देखते हैं कितना क्या हो पाता है। चलो तो गाइस फाइनली मैं ओला लेकर के निकल चुका हूँ, ठीक है। और मेरे को एक पहली राइड भी आई थी बट एक्चुअली बंदे ने कॉल नहीं अटेंड किया तो मैंने कैंसिल मार दिया। और मैं इसका बता दूँ भाई, हर 1 किलोमीटर पे ना 2% की बैटरी जाती है, तो एवरेज पकड़ लो 50 की मेरे हिसाब से चल रही है इसकी, ठीक है। बाकी देखते हैं, अभी तो पूरा कंप्लीट मैं चलाया नहीं, अभी मैं फुल चार्ज करके निकला हूँ। टाइम अपडेट गाइस 8:05, ये देखो, ठीक है। और देखता हूँ भाई कब तक एक राइड मिलती है। ओला की पहली राइड मिली थी मेरे को और उबेर वगैरह तो बज नहीं रही है। एक्चुअली बाय मिस्टेक मैंने ना भाई का फ़ोन बदल दिया, उसका फ़ोन उसी का फ़ोन है, इसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो अब देखता हूँ भाई इसमें ऑर्डर ढुकेगी या नहीं, और अभी तक तो नहीं ढुक रही है लेकिन इतना टाइम में तो भाई ढुक जाती है। चलो देखते हैं, वेट करते हैं और आपको सारा डिटेल मिलेगा इस वीडियो पे। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये फाइनली कल रात में मेरे को मिली थी और सब रिचार्ज विचार्ज करके चार्ज वगैरह करके मैं निकला हूँ। अभी देखता हूँ क्या हो पाता है, कितना क्या होता है, सब आपको बताऊँगा। इस डिटेल मिलेगा सब इस चैनल पे। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ठीक है। चलो OTP बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ 295 है। किधर से जाएंगे आप? हाँ किधर से जाएंगे देखता हूँ। 295 अच्छा ये कहाँ जाना है? PW विद्यापीठ और कोल भवन तक ले चलिए। अच्छा अच्छा और जानते हैं ना कोल भवन? ये नजुल तीर्थ जानते हैं? कोल भवन जानता हूँ। हाँ वहाँ से मैं आपको शॉर्टकट लेके चला जाऊँगा, ठीक है। तो आपको पूरा उधर रास्ता पार करने की जरूरत नहीं है। तो ये पीछे से ले लेता हूँ फिर। हाँ ठीक है, कोल भवन तक ले चलिए ना। हाँ वहाँ तक ले चलिए, कोल भवन तक ले चलिए, मैं आपको वहाँ से शॉर्टकट बैठा दूँगा। बैठिए, बेकार रास्ता पार करेगा ना बोल रहा। YouTube चैनल का भी नाम बता देना। एस कुमार ब्लॉग ये लिखिए। अच्छा आपका ही चैनल है क्या? सौरभ कुमार नाम। सौरभ कुमार भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा। ऑनलाइन ही कैश? नहीं नहीं कैश। कितना? 42। ये हो गई हमारी पहली राइड अर्निंग, देख रहा है 42 की। अब देखता हूँ इसमें कितना क्या मिलता है। 31 रुपीज़ मिला गाइस, 31। चलो एक्चुअली मेरा इस कैमरे की जो है ना बैटरी काफ़ी डाउन है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। तो अभी चलो ठीक है, आप लोग को ज़्यादा वीडियो नहीं दे पाऊँगा, शॉर्ट शॉर्ट ही दूंगा। ये देखो सेक्टर 5 की आ गई, 20 रुपये टिप के साथ, 20 रुपये टिप के साथ आया हुआ। चलो इसको पिक करते हैं, रास्ता बता देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो यार ये 77 की राइड हो गई कंप्लीट। और ये देखो सबका एग्ज़ाम चल रहा है भाई, सब बैठा हुआ आराम से चिल मार रहा है। 62, चलो ठीक है। देखो गाइस कस्टमर लोग अभी क्या कर रहा है ना, खास करके रैपिडो में सेक्टर 5 जो है ना राइडर लोग जाना नहीं चाहता। तो ये क्या कर रहा है कस्टमर कि सब जितने भी बुकिंग मतलब करते हैं ना वो टिप दे देते हैं 10-20 रुपये करके। इससे क्या होता है राइडर लोग अट्रैक्शन होते हैं कि चलो टिप दे रहा है चलो लेके चलते हैं। अभी बहुत सारे राइड ऐसे आ रहे थे सेक्टर 5 के जिसमें कि टिप मिल रहा था, बट ये है कि पिकअप मेरा बहुत ज़्यादा था, 2.5-3 किलोमीटर पिकअप हो जा रही है, इसी कारण से मैं जा नहीं रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं जाने के लिए रेडी हूँ। ये देखो एक मोल्ला पाड़ा की आई है, 10.5 किलोमीटर है लेकिन पेमेंट दे रहा है 76 रुपीज़ मात्र। भाई बहुत बहुत तगड़ा पैसा है, कम दे रहा है, बहुत ज़्यादा कम दे रहा है। तो गाइस मेरे को पोर्टर में ऑर्डर मिल गई, ठीक है, सेक्टर 1 से लेकर के सेक्टर 2 में ड्रॉप करना है। तो चलो चलते हैं, पिकअप डिस्टेंस जो दिखा रही है वो 1.9 किलोमीटर, चलो पिक करते हैं बड़ा। काफ़ी मिल्क
एक सेकंड होल्ड करो ना, एक सेकंड होल्ड करो, पेमेंट वहाँ ले लेंगे भैया, हम बोल रहे घर पे, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे बोले हम बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, आप जैसे कर देंगे हो जाएगा। चलो गाइस, ये हमारी जो राइड है कंप्लीट हो गई, और देखता हूँ कैश कलेक्ट कितना करने बोल रहे हैं। आ जाए जल्दी से, 64 ठीक है, 70 मिल गया मुझे, और इसको डन हो गई भाई। हाँ बैठी, अभी तक ओला स्कूटी पे नहीं बैठे हैं ना? नहीं, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे नहीं? एक मैंने चलाई थी बैंगलोर में जब बहुत पहले आई थी, शायद थोड़ी बहुत चलाई थी। अच्छा अच्छा, कैसी रहती है? आप फील कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मेरे को जब चलाई थी तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ब्रेक था, उस वक्त तो अलग था, येलो कलर की थी बैंगलोर में। अच्छा, ओला की थी? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ओला की नहीं थी। यार उस वक्त क्या चलता था मुझे याद नहीं आ रहा क्या था वो। अच्छा, टाइम हो गया 3-4 साल। काफ़ी सारे कंपनी निकल चुके हैं, लोकल भी ये बनाती है। अच्छा अच्छा, ये ओला की तो अपनी ये ब्रांड है तो इसका कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक ब्रेक लग रहा था ढंग से। हाँ, ये तो ब्रेक ले रहा हूँ, इसमें रिवर्स ब्रेक भी है, मतलब एक्सीलेटर को पीछे की तरफ करूँ तो भी ब्रेक लग जाएगी। स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन काफ़ी जगह है, काफ़ी सारा पेट्रोल पम्प भी मिल जाएगा आपको। इसमें तीन मोड आता है, हाँ, इसकी भी कॉस्ट जो है 150 है। हाँ, बस इसमें यही है कि आपको साल में एक बार जो इसका बेल्ट जो होती है ना, वो चैन की जगह पे बेल्ट यूज़ किया जाता है, वो चेंज करना पड़ता है, और ब्रेक शू बस, ज़्यादा मतलब कॉस्ट नहीं पड़ती, वो आपका अराउंड 2000 में क्लियर है। गाइस, मेरे को फिर से एक रैपिडो की ऑर्डर आ चुकी है, राइड मिल चुकी है, ये देखो आ चुका हूँ लोकेशन पे। और एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है ना, मेरा ये वाला बैटरी ख़त्म हो गया है भाई, तो इसी कारण से कहीं कपड़ में वीडियो बना पा रहा हूँ, कहीं नहीं बना पा रहा हूँ, और इसमें क्या होना थोड़ी सी नॉइज़ वगैरह सब कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए मैनेज कर लो आइडर पर, और चलो इसको पिक करते हैं, निकलते हैं। 8438 डायमंड प्लाजा, इधर से निकलूंगा ना, लेफ्ट जाके राइट पे निकलूंगा। तो गाइस, हमारी ये लास्ट वाली भी राइड हो गई थी कंप्लीट, एंड उसके तुरंत ही बाद मेरे को ओला की राइड मिल गई, ठीक है। ओला की राइड आ गई है, मैं जोशर रोड में था, डायमंड प्लाजा में ड्रॉप किया, दैन मेरे को ओला में आ गई, अब जा रहा हूँ पिक करने के लिए। स्कूटी तो भाई, मक्खन चल रही है, ऐसा बात नहीं है कि कोई मेरे को ऐसा कुछ दिखा। हाँ, बैटरी बैकअप की मैं बात करूँ तो थोड़ी बहुत कम है, तो वो मैं फुल जो आज कर लूँगा काम, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। और टाइम अपडेट गाइस, 11 बजने में 3 मिनट बाकी है, चलो पहले पिक करते हैं फिर मिलते हैं। तो
गाइस अभी मैं नवेदिता, ये जो है ना सिस्टर नवेदिता, इसी के पास आया था कस्टमर ड्रॉप करने। ओला की राइड मिली थी 101 रुपए की, ठीक है। तो 69 कैश कलेक्ट करना था अपने को, मैंने कलेक्ट कर लिया और कस्टमर ने मेरे को 80 दिया, ठीक है। उसका कंपनी मेरे को 101 दिया, 101 रुपए, मतलब अराउंड 11 रुपए ज़्यादा फायदा मिला भाई, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ, देखता हूँ भाई, चार्ज लगा देता हूँ। ऐसे तो चार्ज हमारी काफ़ी ज़्यादा है, 61% है, और मेरे को उम्मीद है भाई बहुत अच्छी खासी चल जाएगी। और देखो भाई, अभी तक मैंने 40% में से जो मैंने राइड किया है ना, 40%, ठीक है, मतलब 40% जो मैंने बाइक चलाई, इसमें से बहुत बढ़िया भाई, मतलब रिस्पॉन्स मिला मेरे को, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई और अर्निंग भी बहुत अच्छी खासी हो चुकी है। मतलब 40% के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो, मतलब कितना किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाया, लगभग वही कुछ 40-45 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला ली, ठीक है। और अर्निंग तो भाई हो गई उसके हिसाब से, देखता हूँ। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, देखता हूँ यहाँ पे फास्ट ईवी चार्जर लिखा है, यहाँ पे स्कूटी होती है या नहीं, ये एक लोचा है भाई, देखता हूँ। ये स्कूटी की चार्जर नहीं है भाई, ओनली कार, ठीक है, देखते हैं, चलो। तो बेसिकली गाइस, यहाँ पे यात्रागाछी ये ब्रिज दिख रही है आपको, इसके जस्ट उस तरफ में एक चार्जिंग स्टेशन है बड़ा सा, मैंने पहले भी देखा था, वहीं जा रहा हूँ। और एक बेसिकली बात बता दूँ कि मैं ज़्यादातर ना इको मोड में यूज़ करता हूँ, ठीक है। जब कस्टमर मेरे को बोलते भैया जल्दी, तब मैं नॉर्मल मोड में यूज़ करता हूँ, क्योंकि नॉर्मल मोड में ना बैटरी बहुत ज़्यादा खाती है भाई, पर किलोमीटर पे 2%, और अदरवाइज़ ऐसे इको मोड में मेरा भाई अच्छा खासा चल जाता है, 1% किलोमीटर चल जाती है। और ये आ गया हूँ चार्जिंग स्टेशन के पास, देखता हूँ यहाँ पे स्कूटी देगा चार्ज करने या नहीं। बाकी भाई आप लोग को ओला के मैं बता दूँ भाई, ओला का जो है ना बहुत बढ़िया, मतलब राइड मिल रही, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया राइड मिल रही है। भाई रे ना ना देखते इसलम चार्जिंग था, चार्ज होगा नहीं बाइक चार्ज, और कौन दिखे होगा इतने ना अच्छे, मेरे बाइक होते ना देखे इसलम, ये रोज ढूंढ गए हम। चलो गाइस, तो यहाँ पे चार्जिंग का कोई जुगाड़ नहीं है, यहाँ पे ओनली कार की चार्जिंग होती है, तो ये एक दिक्कत हो गई, कोई नहीं, चलो और भी जगह देखते हैं भाई। ऐसे मेरा भाई 61% अभी तक, देखो अभी मैं 1 किलोमीटर घूम गया बट मेरा चार्ज ख़त्म नहीं हुआ है, 1% भी नहीं हुआ है, देखते हैं भाई, चलो। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा तगड़ा कर दिया भाई, और मेरे को ना माउंट नहीं है तो उसके कारण दिक्कत हो रही है, तो मैं कस्टमर से पूछ ले रहा हूँ, अदरवाइज गाइस मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ओला का जो नेविगेशन है इसको यूज़ कर रहा हूँ, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, इसका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है। चलो अभी मैं आप लोग को थोड़ा सा अर्निंग दिखा देता हूँ, कितनी क्या हुई है देखना भाई, मैं भी दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देख लो 198 जो हुई है हमारी वो रैपिडो में हुई है, देखना खाली 198 हमारी रैपिडो में। उसके बाद गाइस ओला में देख लो 101 हुई है, और इसमें से गाइस आप ऑलमोस्ट 11 रुपये और ऐड कर सकते हो, तो ये ओवरऑल 122 रुपए की है ओला में, 122, ठीक है। और मैं बस इतना मतलब यही दो एप्लीकेशन में हुआ, अरे पोर्टर में हुई है, पोर्टर में भी हुआ है, पोर्टर में हमारी 54 रुपीज़ की समथिंग हुई है, देख एक सेकंड गाइस, हाँ पोर्टर में 54 प्लस 54, तो 374 रुपए की हमने अर्निंग कर ली है, कितने परसेंट बैटरी में, 40% बैटरी में, 40 नहीं तो 39% बैटरी, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। मेरा फ़ोन का डिस्टर्ब है, नहीं तो गाइस अभी तक मैं 500 प्लस अर्निंग कर लेता, ठीक है। और अभी जो 60% है इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो लगभग 400 से 500 रुपए की अभी अर्निंग कर सकता हूँ 61% चार्ज में, ठीक है, लेकिन मैं जीरो तो नहीं करूँगा ना। और देखते हैं, हमारा थोड़ा फ़ोन का नेटवर्क का इशू है, अदरवाइज़ अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है। और ओला की राइड जो है ना भाई, जिस बंदे ने ईवी लिया है ओला से, उन लोगों का भाई बहुत अच्छा मिल रहा है राइड, उन लोगों को मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है, मैं अपना पर्सनली बोल रहा हूँ, मुझे राइड मिल रही है, ठीक है, मेरे को राइड मिल रही है ओला की तरफ से, सुबह से मैं 5-6 राइड मेरे को मिली है, लेकिन सब कैंसिल हो जा रहा है, या तो कस्टमर इग्नोर कर दे रहा है, या तो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है बुकिंग करने के बाद, ठीक है। तो ये एक ही कस्टमर अभी हुआ था कम्प्लीट ओला की, जो कि मैंने अभी ड्रॉप किया, ठीक है, सिस्टर नवेदिता,
और बाकी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, ओला में राइड कंटिन्यू मिल रही है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ अब निकलता हूँ घर, ठीक है, घर निकलता हूँ। रीज़न है कि बहुत तगड़ी धूप है भाई, बहुत तगड़ी, अब कोशिश करूँगा शाम को निकलने की, और पहले ये वीडियो आप लोगों को दे दूँ, फिर उसके बाद जो है ना फिर सेपरेट से वीडियो क्लियरली बनाऊँगा हर एक दिन का बढ़िया से चैलेंज। और फ़ोन को देखता हूँ भाई क्या किया जाए, चेंज करने की कोशिश करता हूँ, और अगर रैपिडो की यहाँ से मिल गई तो अच्छी बात है। रैपिडो का मैं उसी राइड को एक्सेप्ट कर रहा हूँ जो कि जेन्युइन पैसा मेरे को मिल रहा है, ठीक है, जैसे कि 8-9 रुपये किलोमीटर मिल जा रहा है तभी मैं पिक कर रहा हूँ, अदरवाइज पिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो गाइस, इको मूड जो है ना वो कोई ख़राब नहीं है, इसमें जो टॉप स्पीड है इको मूड की वो 42 की है, ठीक है। तो अगर आप लोग कोई ट्रैवल ऐसे भी देखो कोलकाता में भाई आप 40-50 से ऊपर तो चला नहीं सकते, अगर नॉर्मल मूड यूज़ करोगे ना भाई तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस जाएगा, बहुत ज़्यादा चार्जिंग लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये ठीक है, इको मूड इज़ गुड। और मैं ज़्यादातर इको यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पर देख रहा हूँ कि कस्टमर ऐसे, अभी तक तो मैंने नॉर्मल इको मूड में ही चलाया है, नॉर्मल मूड में अभी तक मतलब कस्टमर इतनी डिमांड नहीं किया है कि भैया आप जल्दी चलो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। जब जिसको ज़रूरत पड़ती है, रास्ता खाली मिलता है, तब मैं कुछ नॉर्मल मूड कर देता हूँ और स्पीड डाल लेता हूँ, और जब जैसे हल्के फल्के ट्रैफिक देखता हूँ तुरंत ही इको मूड कर देता हूँ, एंड इको मूड करने के बाद भाई अपना मैं निकलते रहता हूँ। इसमें क्या होता है बैटरी भी कम खाती है भाई, बहुत कम खाती है इको मूड में, और आराम से मैं बोलता हूँ इको मूड अगर चला करके आप यदि काम करते हो, इको मूड नॉर्मल मूड ऐसे कन्वर्ट करते रहते हो, देन आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी, अराउंड 600-700 रुपये आप उठा लोगे, ठीक है, 600-700 आप आराम से उठा लोगे। तो यही अपडेट देना था आप लोगों को, और अभी मैंने लगभग जो है आप लोगों को मैंने दिखा दी अर्निंग जो कि अराउंड 400 करीबन हो गई थी, लगभग 400 मैं भूल गया हूँ कितना कैलकुलेट किया था। तो भाई अच्छा है, स्कूटी इज़ गुड, और मेरे को परफॉर्मेंस भी ठीक लगा, ठीक है, अच्छा लगा मेरे को, ऐसा कुछ मैं इसका नेगेटिव अभी तक तो नहीं देख पा रहा हूँ। बस मेरा जो ये डिक्की है ना डिक्की, ठीक है, जैसे खोलता हूँ सीट वाले ये खुला ही रह जाता है, अभी तक खुला ही है ये बंद नहीं हो रही है, तो ये पता नहीं है सॉफ्टवेयर का इशू है या क्या है, पता नहीं मेरे को। तो खैर मुझे मुझे उससे उससे कोई मतलब नहीं, सारा दिन तो सारी में रहता हूँ, और उसके अंदर मैंने सिर्फ चार्जर केबल रखा हूँ बस, और कुछ भी नहीं। और देखो ये 42 टॉप है, इतना भी चल रहा है, चले जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है ना। आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, काइंडली लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ओला में राइड मिल रही है, रिलैक्स रहो, स्कूटी वाले को मिल रही है, बाकी पेट्रोल वाले को नहीं मिल रही है, ठीक है, तो कंपनी जान करके ढूंढ ढूंढ के दे रही है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सेव ट्राइव सेव योर लाइफ, एंड चैनल को जरूर करना भाई सब्सक्राइब, ठीक है।